Hello and welcome to History Through Question. Today's topic is Advent of European Powers, English, under which we will try to discuss an important event, that is the Farrukhshahi's Farman, or basically it was also known as the Golden फरमान। नाउ ये जो इवेंट है, ठीक है, इसको कंसीडर किया जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ कंपनी, दैट इज द इंग्लिश, बिकॉज ड्यूरिंग दिस इयर्स उन्होंने एक डिप्लोमेटिक मिशन को लेट किया था, और ये मिशन लेट किया गया था बाय जॉन सरमन in the year 1715. Now to the court of Mughal Empress Farrukhshahi, okay? अब resulting क्या हुआ, जब ये diplomatic mission वहाँ पे गया, तो Farrukhshahi ने grant किया three famous farmans addressed to the officials, और ये तीन अलग अलग जगह के लिए किया उन्होंने, that is first Bengal, नेक्स्ट हैदराबाद एंड थर्ड गुजरात रीजन के लिए. नाउ इसमें इन तीनों फरमान में बेसिकली जो फर्रुखशाह थे और ये जो फरमान थे, इसने कंपनी को काफी वैल्यूएबल प्रिविलेजेस को ग्रांट किया. तो वी विल सी वन बाय वन कि कैसे और क्या क्या उसको कंसेशंस और वैल्यूएबल प्रिविलेजेस प्रोवाइड किए गए थे. नाउ ये जो फरमान है ना, इसको ये भी रिगार्ड किया जाता है कि इट वाज आल्सो कंसीडर्ड एज द मैग्ना कार्टा ऑफ द कंपनी. ओके, फर्स्ट देख लेते हैं हम बंगाल में जो कंसेशंस ग्रांट किए थे और जो प्रिविलेजेस ग्रांट किए थे. सो बंगाल में क्या हुआ था, जो कंपनीज के, दैट इज द इंग्लिश कंपनी के इंपोर्ट प्लस एक्सपोर्ट, इन दोनों को ही एग्जेम्प्ट कर दिया गया था कि हम आपको एग्जेम्प्ट करते हैं इंपोर्ट प्लस एक्सपोर्ट की एडिशनल कस्टम ड्यूटी से. अब आपको कोई भी एडिशनल कस्टम ड्यूटीज नहीं देनी, सिर्फ और सिर्फ आप क्या करो ना, आप एक एनुअल पेमेंट कर दो जिसमें आप 3000 रुपीस पे कर दो पहले ही, और आपका पूरा क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगी इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट कस्टम ड्यूटीज. नेक्स्ट कंसेशन तो बंगाल में ग्रांट किया गया था, उसमें वो था कि जो कंपनी था ना, इट वाज परमिटेड टू इशू 10 tusks, और इसको क्या कहा जाता था, इसको कहा जाता था पासेस फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑफ सच गुड्स. नाउ जो कंपनी से रिलेटेड जो मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स होते थे, और बेसिकली कंपनी के पास ये पावर होती थी कि वो दस्तक को इशू करके अपना ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स कर सके, तो ये कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेट कर रहा था इंडियन ट्रेडर्स को, और क्योंकि उनके पास इतनी पावर नहीं है दस्तक इशू करने की, तो ये काफी डिस्क्रिमिनेटरी हो गया था, और कंपनी ने इसको अपने प्रॉफिट के लिए यूज किया गया था, तो ये नेगेटिवली इंपैक्ट कर रहा था एज सच इंडिया को, और बेसिकली उस टाइम मुगल एम्पायर को. ओके, लेटर ऑन हमने ये भी देखा, ये जो दस्तक का मिसयूज होने लगा था, तो उसको क्या किया गया था, उसको फिर सबके लिए अलाउ कर दिया गया था टू इशू दस्तक फॉर एवरीवन. वो हम लेटर बाद में देखेंगे जब हम देखेंगे मिसयूज ऑफ दस्तक. नाउ थर्ड कंसेशन जो ग्रांट किया गया था यहाँ पे, कि कंपनी वॉज परमिटेड टू रेंट. अब कंपनी को क्या किया जाएगा, और लीज पे और बेसिकली रेंट पे लैंड दे दी जाएगी इन एंड अराउंड रीजन कैलकाटा, ताकि वो अपना और फर्दर एक्सपेंशन कर सकें. तो ये सारे कंसेशन उनको बंगाल में प्रोवाइड करवाए गए थे. नेक्स्ट वॉज द हैदराबाद. नाउ यहाँ पे जो कंपनी के पहले से प्रिविलेजेस उनको मिले हुए थे, जो ओल्ड प्रिविलेजेस थे,
that was related to freedom from dues, जो भी उनके ड्यूज थे उसको क्या किया गया, उसको फर्दर रिटेन कर दिया गया। अब क्या हुआ, और कंपनी हैड टू पे ओनली द एग्जिस्टिंग रेंट, जितने भी ड्यूज थे वो खत्म करके अब कंपनी को सिर्फ और सिर्फ ये कर दिया गया कि आप सिर्फ एग्जिस्टिंग रेंट पे कर दो फ्रॉम मद्रास। These are the concession granted in Hyderabad. Next, Gujarat, or basically to be very precise, Surat. यहाँ पे क्या गया? यहाँ पे भी उनसे कह दिया गया कि आप एक annual payment कर दीजिए। Annual payment 10,000 rupees का आप कर दीजिए, जिसमें क्या होगा? East India Company जो होगी, उसको exempt कर देंगे हम from the levy of all duties. सारी ड्यूटीज से उनको हम क्या कर देंगे, हम उनको छोड़ देंगे, एग्जेम्प्ट कर देंगे। ओके, इट वाज आल्सो बेसिकली डिक्रीड दैट, ये भी एग्रीड हो गया और बेसिकली इसको भी डिक्रीड साइंड हो गया कि क्वाइंस ऑफ द कंपनी दैट इज द ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि मिंट होते थे उस टाइम बॉम्बे में, वर टू हैव करेंसी, उसकी सब जगह अब बेसिकली करेंसी की तरह यूज हो सकता है थ्रू आउट द मुगल एम्पायर। ओके, तो ये तीन इंपॉर्टेंट फरमान्स थे जो कि इशू किए गए थे बाय फरुख शेर। ओके, और इट वाज द वन ऑफ द रीजन व्हाई इट वाज कंसीडर्ड द मैग्ना कार्टा, बिकॉज इट ग्रांटेड सिग्निफिकेंट कंसेशंस और बेसिकली वैल्यूएबल प्रिविलेजेस टू द ईस्ट इंडिया कंपनी। नाउ फिर हमने क्या देखा, इन द सब्सिक्वेंट ईयर्स में क्या हुआ कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी बिगिन टू एक्सटेंड, अब और फर्दर वो अपना एक्सटेंशन करने लगी ईस्ट इंडिया कंपनी, और फिर और टेरिटोरियल क्लेम्स करने लगे। और ये कहां से हमें रिजल्टेड है, इट रिजल्टेड ऑन द डिफीट ऑफ डच, इसको इंग्लिश ने हराया था एट द फेमस बैटल ऑफ बेदरा और बेदारा, और ये हुआ था 1759 में। फिर उन्होंने फ्रेंच को हराया था एट द बैटल ऑफ वोंडीवॉश इन द ईयर 1760, एंड बाय द एंड ऑफ 18th सेंचुरी व्हाट विल हैपन, East India Company basically succeeded in establishing its paramountcy. So, हमने इंग्लिश को देख लिया कैसे वो आए थे, क्या क्या उनको प्रॉब्लम्स थी, कैसे उनका एक्सपेंशन हुआ। ओके, और फाइनली जितनी भी और पावर्स थी यूरोपियंस उनको हरा के अपनी पैरामाउंटेंसी उन्होंने काफी एस्टैब्लिश की थी। कैसे एस्टैब्लिश की थी? नाउ एक इंपॉर्टेंट सब टॉपिक इसमें और आता है, दैट इज मर्जिंग ऑफ टू इंग्लिश कंपनीज। यस, यू हर्ड मी राइट, मर्जिंग ऑफ टू इंग्लिश कंपनीज। इंग्लिश में भी और बेसिकली अगर हम देखें ब्रिटिश में भी, वहां पे टू कंपनीज थी जो कि चाहती थी ट्रेड करना, बट अल्टीमेटली उनको मर्ज कर दिया गया था। पर ये स्टोरी क्या है समझ लेते हैं। नाउ इंग्लिश रेवोल्यूशन हुआ था इन द ईयर 1688। जब 1688 में और बेसिकली इंग्लिश रेवोल्यूशन के बाद अगर हम देखें तो एक विक्स पार्टी थी, WHIGS, और विक्स पार्टी बेसिकली कहां पे थी, ये ब्रिटेन में थी। थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं ताकि इजी अंडरस्टैंडिंग हो जाए हमें और थोड़ी सी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो जाए। तो हु आर दी विक्स? सो बेसिकली जो विक्स थी ना, वो एक पॉलिटिकल फैक्शन थी, और आप उसको एक पॉलिटिकल पार्टी भी कह सकते हैं, इन दी पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड कंबाइंड, अगर मैं कह दूं इंग्लैंड हो जाएगा, स्कॉटलैंड, ग्रेट ब्रिटेन, आयरलैंड
एंड द यूके, और ये पार्टी एक्टिव थी बिटवीन 1680s से लेकर 1850s तक। ओके ठीक है, और थोड़ा सा इसके बारे में और जान लें, तो बेसिकली जो विक्स थे वो मेंबर थे और सपोर्टर थे ऑफ अ मेजर ब्रिटिश पॉलिटिकल ग्रुप्स जो कि एस्टैब्लिश हुआ था लेट 17th सेंचुरी और उनका कहां तक चले थे वो अर्ली 19th सेंचुरी। अब ये क्या करना चाहते थे, इनका मेन एम क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था, ये लिमिट करना चाहते थे दी रॉयल अथॉरिटी, ये लिमिट करना चाहते थे रॉयल अथॉरिटी की वो सबसे ज्यादा से ज्यादा प्रिविलेजेस ना ले ले, और इंक्रीज करना चाहते थे पार्लियामेंट्री पावर, पार्लियामेंट्री पावर। नाउ जैसे जैसे इनकी पार्टी का इन्फ्लुएंस जो था इंक्रीज होता गया, इन्फ्लुएंस इंक्रीज होता गया, वो अपोज्ड करने लगे थे, बिकॉज उनको क्या था कि लिमिट करनी है रॉयल अथॉरिटी को, तो वो अपोज भी करने लगे थे जो मोनोपोली बना ली थी, किसने मोनोपोली बना ली थी, ईस्ट इंडिया कंपनी ने। एज ए रिजल्ट उन्होंने क्या किया, एक अपनी एक राइवल कंपनी को फॉर्म कर दिया और उसके लिए एक पर्सन को डेप्यूट कर दिया जिनका नाम था सर विलियम नॉरिस। अब ये काफी इंपॉर्टेंट फैक्चुअल इंफॉर्मेशन हो जाती है, तो प्लीज डू रिमेंबर, सर विलियम नॉरिस को उन्होंने डेप्यूट कर दिया कि सर आप जाइए और हमने जो न्यू कंपनी बनाई है एज ए राइवल कंपनी आप उसके एम्बेसडर हैं। ठीक है, एम्बेसडर, और बेसिकली उनको एक एम्बेसडर बना के भेजा। उस टाइम मुगल एम्पायर में जो किंग थे वो औरंगजेब थे, तो इनको जब एम्बेसडर बना के औरंगजेब की कोर्ट में भेजा, उस टाइम टाइम पीरियड था 1701 अप्रैल, ठीक है, और बेसिकली 1701 जनवरी में भेजा था और बेसिकली अप्रैल तक ये रहे थे 1702, तो 1701 जनवरी में इनको भेजा गया था और ये अप्रैल 1702 तक रहे थे। इनका बेसिकली काफी बातचीत करके ये क्या चाहते थे, ये चाहते थे कि इनको कैसे भी करके ट्रेडिंग प्रिविलेजेस मिल जाए फॉर दिस न्यू राइवल कंपनी। ओके नाउ ये जो न्यू कंपनी थी ना, ऑल्दो थोड़े देर के बाद ये पता चल गया था कि ये जो न्यू कंपनी है इट प्रूव टू बी अ फेलियर, ये सक्सेस नहीं होने वाली है। सो व्हाट विल हैपन, जब उसको ये फेलियर प्रूव्ड हो गई, इसको ज्यादा सक्सेस नहीं हो पाया राइवल कंपनी के तौर पे, उसको काउंटर चेक नहीं कर पाई ईस्ट इंडिया कंपनी की मोनोपोली, तो अंडर प्रेशर फ्रॉम क्राउन, क्राउन जो मेन उनके हेड थे और जो ब्रिटेन की जो वहां की जो पार्लियामेंट थी, इनको ये कहा गया था, प्रेशर डाला गया था बाय द क्राउन एंड द पार्लियामेंट कि आप जो दो कंपनीज हो ना वो आप अब मर्ज हो जाओ और बेसिकली अमलगमेट हो जाओ, अल्टीमेटली हमारा गोल एक ही है, ठीक है, और जो आप राइवल हो कहीं ना कहीं हमें भी नुकसान कर रहा है और आपको भी, और ये अच्छा नहीं है। तो उन्होंने फोर्स डाल के क्राउन और पार्लियामेंट ने इन कंपनीज को अमलगमेट करवा दिया 1708। उसके बाद इनका कंबाइन और टाइटल क्या हो गया, अब ये एज इट इज टाइटल जो नेम है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज यूनाइटेड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ इंग्लैंड ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज, दैट वॉज द नेम given to a combined company, or basically merging of the two companies के बाद एक common name दे दिया गया। Now this was up for the ये बन गई थी पूरी East India Company from the year 708 to 1873, which was to establish the or responsible for establishing the British political power in India. So with this we completed The English as an European power, कैसे उन्होंने अपने establish किया, उनके अंदर भी faction आए थे वहाँ पे Whigs party में, तो उन्होंने rival company को introduce किया, but it soon proved to be a failure और कोई option नहीं बचता था, तो crown के pressure में along with the parliament उनको merge कर दिया गया और ये फिर बनी United Companies of the Merchant of Trading of basically England trading to the East Indies, और ये company finally 1708 से
1873 तक एक्टिव रही थी, जिसने काफी हेल्प किया था और बेसिकली इसी ने ही इस्टैब्लिश की थी ब्रिटिश पॉलिटिकल पावर इन इंडिया. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर. इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस. हैव अ गुड डे एंड स्टे सेफ.